बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव इन दिनों अपनी आगामी फिल्म श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच अभिनेता अपनी एक वायरल तस्वीर को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई कि राजकुमार राव ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। हाल ही में उन्होंने इन अफवाहों को खंडित करते हुए कहा कि अच्छा दिखने का दबाव अभिनेताओं पर उतना ही अधिक है जितना कि अभिनेत्रियों पर है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राजकुमार राव ने हाल ही में एक बातचीत में कहा, जब ये पहली बार शुरू हुआ तो मैंने उस तस्वीर को देखा और मुझे लगा कि ये अजीब है, लोग अब मुझे देख रहे हैं। मैं उस तस्वीर में उस आदमी जैसा नहीं दिखता जैसा मैं हूँ। क्या किसी ने इसके साथ कुछ किया है? यह बहुत साफ है। लेकिन तभी शोर शुरू हो गया और ये जंगल की आग की तरह फैल गई। तो मैंने कहा कि वाह, क्या हो रहा है। अभिनेता ने आगे कहा, लोगों ने मुझसे कहा कि ये अच्छा है, आप मीम ट्रेंड का हिस्सा है, इसका मतलब है कि आप मशहूर है, इसलिए इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ, मुझे पता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। राजकुमार ने आगे कहा कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तब भी वो इसके लिए दोषी महसूस नहीं करते, क्योंकि ये उनका निर्णय होता। राजकुमार राव ने बीते दिनों एक बातचीत में कहा था, मुझे लगता है किसी ने प्रैंक किया है। मैं यकीन से कहता हूँ कि इस तस्वीर के साथ किसी ने छेड़खानी की है, ये तस्वीर नकली है। लोग प्लास्टिक सर्जरी जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। हालांकि जब मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी तो लोग मेरे लुक्स पर कमेंट करते थे, तो 8-9 साल पहले मैंने फिलर्स करवाया था। उन्होंने कहा, मैंने बेहतर दिखने और महसूस करने के लिए ऐसा किया था जिससे मेरा चेहरा सही संतुलित नजर आए। ये मैंने स्किन के डॉक्टर से सलाह के बाद किया था। मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसा आत्मविश्वास पाने के लिए करना चाहता है तो क्यों नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।